पूछे थे कि आप बेहद खुश होते हैं तो क्या करते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि हम बेटियां पैदा करते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है, और टीआरएस की सरकार, केसीआर साहब की सरकार ये बात को मान के चलती है। इसीलिए अब बेटियों के शादी के लिए 1 लाख रुपए का रकम दी जाती है, ये कोई लोन नहीं है, इसमें से 1 रुपया भी वापस सरकार को देना नहीं है। ये रकम इसीलिए दी जाती है, इस तरीके से दी जाती है कि अगर मेरे खुद के शादी में अगर खर्च करना होता तो किस तरीके से खर्च करते, उसी तरीके से एक बाप अपने बेटी को कैसे देते हैं। आज शादी में रकम ऐसे इस तरीके से तेलंगाना रियासत में दिया जाता है, और हमें मालूम है, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी, सचार कमेटी रिपोर्ट ने बताया, रंगनाथ मिश्रा कमेटी के रिपोर्ट ने बताया कि बहुत हम पिछड़े हैं, और इतने नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने अपने स्टडीज कंप्लीट नहीं किए, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। तो ऐसे बच्चे जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनमें से 3000 बच्चों के एप्लीकेशन ली गए, और 8 लाख रुपयों का एक एक गाड़ी उनको हमने इस गवर्नमेंट से पिछले 5 सालों में दी है। उसमें 5 लाख सीधा सीधा गवर्नमेंट पूरा पे करता है, बाकी का 50,000 कार कंपनी वाले डिस्काउंट देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा ऑर्डर उठाया है, और बाकी का 2.5 लाख जो होता है 3-4 सालों में उस लड़के को उसको बैंक से वापस देना है। लेकिन एक गाड़ी 8 लाख रुपयों का वो लड़कों को देने के बाद आज मैं फकर के साथ कहती हूँ उनकी मंथली कमाई, उनके पर महीना कमाई 40 to 50,000, 40 से 50,000 रुपये उनका हो गया, तो उनको 4-5 हज़ार का वापस पे करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको हमने अपने पैरों पे खड़ा किया है, और जो बच्चे पढ़ाई में आगे गए हैं, जो बच्चे डिग्री तक उन्होंने पढ़ाई की है, उनको पीजी कराने के लिए 20 लाख रुपया का हमने स्कॉलरशिप शुरू किया है, और ये 20 लाख रुपया भी ऐसा नहीं है कि इसमें एक रुपया भी वापस पे करना है, इसमें वापस पे करने का कुछ भी नहीं है। ये भी ऐसा ही है कि जैसे अपने बाप एक बेटे को पढ़ाता है, उसी तरीके से 20 लाख रुपये का रकम दी जाती है, ना बैंक लोन है ना कुछ है। पहले वाले सरकारों का ऐसा पोजीशन था, बैंक से लोन लेके दो या वापस देने का, ये सारे थे। तो ऐसे सारे स्कीमात है, ये आप भी जानते हैं, ये स्कीमात के ऊपर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आज आर्मोर में ये बात तो जरूर बोलना है, जिस तरीके के स्कीम्स इस सरकार में चलती है, जिस तरीके के हमदर्दी इस केसीआर साहब को और इस हुकूमत को मुसलमान भाइयों के साथ है, तो अगर कोई आपको आके बोलता है कि टीआरएस इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ जा रही है, तो आप उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि जिस हमदर्दी के साथ हम आपके साथ, जिस लगाव के साथ आपके साथ रहते हैं, आपको छोड़ के कहाँ जाना है, हमें वापस रियासत में ही रहना है, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। एक साजिश है आपको और हमें दूर करने के लिए, किसी भी हालत में टीआरएस पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। आपको छोड़ के, आपके दिलों से दूर होके हमें किसी के साथ लगाव रखने का कोई इरादा नहीं है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, कल को मरकज का इलेक्शन है, इसमें तो तय होने वाला है कि किसका क्या रोल अदा करना है। तो केसीआर साहब ने ये साफ साफ बताया, ये मुल्क में जब तक कांग्रेस और बीजेपी को हम नहीं हटाएंगे, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम कल को कोशिश करेंगे, जितने भी रीजनल पार्टीज है, टीआरएस जैसे स्ट्रांग पार्टीज है, इन सारे पार्टीज के साथ एक फेडरल फ्रंट बना के, फेडरल फ्रंट के कवर गवर्नमेंट को मरकज में कायम करने का हम कोशिश करेंगे। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, रीजनल पार्टीज को स्ट्रेंथन करेंगे, रीजनल पार्टीज के साथ इस मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे इतना ही गुजारिश करना चाहती हूँ, पिछली बार भी आपने मुझे वोट दिया, जिताया, तो जितना काम मेरे से हो सका, जितना भी एनर्जी मुझे भगवान ने दिया, उस पूरे ताकत के साथ मैंने कोशिश किया, काम किया। अगर आपको लगता है मेरा काम ठीक था, अगर आपको लगता है वापस एक बार निजामाबाद का एमपी के तरह से मैं चुनी जाऊं, तो आप जरूर कार के निशान पे वोट दीजिए और इस आने वाले इलेक्शन में मुझे जिताइए। इस बार थोड़ा एक स्पेशल कंडीशन है इलेक्शन में, आप जानते हैं, एक के बदले में 12 ईवीएम लगेंगे, लेकिन एक पहले ईवीएम में ही 2 नंबर पे कार के निशान होगा, तो आप जरूर ढूंढिए, ढूंढ के वोट डालना मत भूलिए, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आवाम को हमारा काम पसंद है तो बराबर आप लाखों में भी मुझे ढूंढ के वोट डालेंगे। अगर आवाम को पसंद नहीं है तो आप चेहरे के सामने भी फोटो रखेंगे तो मोड़ मोड़ के जाएंगे, लेकिन मेरा विश्वास है पिछले 5 साल मैंने जिस तरीके से काम किया है, आप लोग मुझे चुनेंगे। तो मैं वापस एक बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ,
शिकार के निशान पे वोट दीजिए, आने वाले एमपी इलेक्शन में टीआरएस पार्टी को जिताइए। थैंक यू, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। मैं हमारे खवातीन दोस्तों भाई और बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि आने वाली 11 तारीख को सुबह 7 बजे उठकर ईवीएम का पहला मशीन जो है उसका दूसरा नंबर कार का निशान है।